हेलो दोस्तों, आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ ओप्पो का न्यूली लॉन्च फोन ओप्पो A16 जो मेरे पास है 4GB ऑफ रैम विद 64GB इंटरनल मेमोरी। बॉक्स की बात करूँ तो बहुत ही सिंपल सा बॉक्स बनाया गया है जिसके साइड में आपको ओप्पो I6C की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और कुछ पीछे में आपको हाईलाइटेड फीचर देखने को मिलता है जैसे 5000mAh लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, 3D स्लिक डिज़ाइन, AI ट्रिपल कैमरा, NHD+ IKEA डिस्प्ले। वहीं मैं बात करूँ इस बॉक्स में जो कलर दिया गया है वो है पर्ल ब्लू कलर। जी हाँ, और मैं जो अच्छी बात इसकी MRP की बात करूँ तो 16,990 रुपये है, बट आपको मार्केट में 13,990 रुपये में मिल जाएगी। सो देर नहीं करते, इसे जल्दी से अनबॉक्स कर डालते हैं। फ़ोन के लुक्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया सा लुक्स देखने को मिल जा रहा है। पर्ल ब्लू कलर बहुत ही खूबसूरत है। बैक का मटेरियल मैं बोलूँ तो पॉलीकार्बोनेट का ही है, बट अगर मैं साइड की बात करूँ या नीचे की ऊपर की, तो साइड में आपको पावर की मिल जाता है, नीचे में आपको 3.5mm का जैक, साइड में माइक, टाइप सी का पोर्ट और स्पीकर ग्लू देखने को मिल जाता है। वहीं साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर इस बार आपको मिलेगा। वहीं मैं और साइड में कहूँ तो आपको वॉल्यूम रैकर की और सिम ट्रे स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। सो जल्दी से फ़ोन को ऑन कर डालते हैं। जैसे मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ, यहाँ पे मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा डिस्प्ले यूज़ किया गया है। यहाँ पे अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो 6.52 इंच का HD+ वाटर ड्रॉप डिस्प्ले दिया गया है। थिकनेस की बात करूँ 8.4mm स्लिक डिज़ाइन विथ 190g अल्ट्रा लाइट वेट बॉडी के साथ आती है। वहीं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पे 88.70% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो विथ 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो देखने को मिल जाएगा। वहीं मैं बात करूँ बैक साइड की तो 3D स्लिक डिज़ाइन के साथ आता है। दो खास कलर में ये फ़ोन है, क्रिस्टल ब्लैक एंड पर्ल ब्लू। कैमरा का लेआउट जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बार ओप्पो के इस लो बजट फ़ोन में, और ओप्पो की ब्रांडिंग भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। सो बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, यानी कि रैम रोम प्रोसेसर के बारे में। तो सीधा मैं चलता हूँ सेटिंग के बाद इसके अबाउट फ़ोन में और जानता हूँ इसमें और क्या खास फीचर्स दी गई है। यहाँ पे जैसे ही मैं गया तो ये फ़ोन आती है कलर OS 11.1 जो बेस करता है एंड्रॉयड 11 पे। ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको एंड्रॉयड 11 के सारे फीचर्स मिल जाएंगे। प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको MediaTek UG35 का प्रोसेसर मिलता है जो अप टू 2.3GHz पे रन करती है, और यहाँ पे आपको 4GB ऑफ रैम विद 64GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाता है। और ये फ़ोन आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आती है। दो नैनो के साथ साथ आप माइक्रो SD भी यूज़ कर सकते हैं अप टू 256GB के साथ। वहीं मैं बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 5000mAh की लार्ज बैटरी देखने को मिल जाती है विद 10W टाइप सी चार्जर के साथ। तो चलिए अब कैमरा के बारे में एक बात करें तो ऊपर में आपको 13MP का मेन लेंस मिल जाता है विद फोकल अपर्चर 2.2। वहीं दूसरा कैमरा आपको मिलता है 2MP का डेप्थ लेंस विद फोकल अपर्चर 2.4, और आपका तीसरा कैमरा मिलता है 2MP मैक्रो लेंस जो आता है फोकल अपर्चर 2.4 के साथ। वहीं मैं सेल्फी कैमरा की बात करूं तो उससे पहले मैं कैमरा के कुछ फीचर्स की भी बात कर लेता हूं, देख लेता हूं कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन फीचर्स आपको कैमरा के अंदर मिल जाते हैं। तो यहां पे आपको फ्रेम रेट, टाइमर्स वाले सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक अच्छा ऑप्शन है डैजल कलर मोड, नाइट मोड का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, सिर्फ रियर कैमरा में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के लिए आपको फ़िल्टर्स बहुत सारे दिए गए हैं यहाँ पे, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए भी फ़िल्टर्स, डैजल कलर, HDR बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। कुछ फोटोग्राफ सैम्पल्स में आपको लास्ट में अपने वीडियो के एंड में आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मैं मोर ऑप्शन में जाऊँ तो यहाँ पर आपको टाइम लैप, एक्सपर्ट मोड, पैनोरामा मोड, मैक्रो मोड एंड स्टिकर्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो मैक्रो मोड बहुत ही अच्छा काम करता है, अप टू 4 सेंटीमीटर क्लोज पिक्चर्स आप अच्छे से ले सकते हैं। वहीं मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ तो इसमें यूज़ किया गया है 8MP सेल्फी कैमरा विथ फोकल अपर्चर 2.0।
कहानी है ओप्पो A16 की, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये मॉडल कैसा लग रहा है ओप्पो के तरफ से जो नया लॉन्च किया गया है 13,990 रुपये में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर डालें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।